तो खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, हालांकि बयान के बाद उन्होंने सफाई दी और उन्होंने सीधे तौर पर यह पूछा था कि आखिर जो बिहार के लोग हैं, जिस तरह से देखिए हर जगह जाते हैं काम करने के लिए, अब तेलंगाना से भी इस तरह से बयान सामने आया है। आखिर सवाल उठता है किस तरह से बयान क्यों सामने आते हैं, और खास तौर पर देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए इस तरह से बयान सामने आते रहते हैं, और इसे लेकर आपको बता दें कि अब राजनीति हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस पर सिर्फ राजनीति होगी? ये समझना होगा जनप्रतिनिधि को कि आप इस तरह से जब बयान देते हैं तो तमाम वो लोग, उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। और देखिए ये तो तय है, चाहे आप अधिकारियों की बात कर ले, चाहे आईएएस आईपीएस की बात कर ले, बिहार के लोग हर क्षेत्र में अव्वल हैं और इसके दम पर, अपने मेहनत के दम पर आगे जाते हैं। लेकिन इस तरह से बयान आया है पंजाब के बाद तेलंगाना के राज्य से, और आपको यह भी बता दें कि सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने यह बयान दिया कि तेलंगाना में बिहार के आईएएस आईपीएस का राज है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का डीएनए बिहारी हो गया है, तो डीएनए पे भी सवाल उठ गया है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति तलवार के दम पर चलती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था कितनी खराब है, तो कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठा दिया है। और क्या कुछ कहा है पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि इसके बाद बिहार में क्या कुछ राजनीति गर्मा गई है। तेलंगाना राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष ने तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो टिप्पणी की है कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री के डीएनए में बिहारी घुस गया है, उनको अच्छी तरह ये पता होना चाहिए कि बिहारी अपने प्रतिभा मेहनत के बल पर देश दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं, और बिहारी होना गर्व की बात है। बिहारी डीएनए के बल पर ही कोई राज्य, चाहे कोई राज्य हो देश का, वो विकास कर रहा है। अच्छी बात है वो बिहारी हैं, तो चूँकि बिहार का आपने देखा है लोकप्रिय नेता का जो काम करेंगे, तौर तरीका अलग ढंग से है, जिन्होंने विकास कर दिया बिहार के अंदर, पूरे स्टेट में कभी नहीं हुआ है, तमाम समाज के लोग सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं बहनें सुरक्षित हैं, उन्हीं को लेकर, बहनें महिलाएं को लेकर उन्होंने शराबबंदी का घोषणा कर दिया, कड़े रुख लिया गया जो है नशा बंद वहाँ हो जाए, नशा न चले वहाँ बिहार के अंदर। बिहार के अंदर निश्चित तौर पर हर समाज, हर धर्म के लोगों की सुरक्षा के साथ सम्मान रहता है, हमारी महिलाएँ भी सम्मान से वहाँ हैं। माना कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, लेकिन बिहार के नौजवान और बिहार के आईएएस आईपीएस देश और दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। अगर बिहार के नौजवानों को मौका मिले तो चांद पे भी तिरंगा फहराने में पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए किसी को बिहार के नौजवानों को आलोचना करने से पहले अपने राज्य के बारे में सोचना आवश्यक। कांग्रेस को बिहार और बिहारियों से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है? कभी पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब से बिहारियों को भगाने की बात करते हैं, तो अब तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां के मुख्यमंत्री को कहा है कि बिहारी डीएनए आ गया है। अरे बिहारियों में प्रतिभा है, बिहार के लोग जहां भी रहते हैं अपनी प्रतिभा के माध्यम से रहते हैं। अगर खेतों में और मजदूरी करने का काम करते हैं, भवन बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में लोग जो ऐसे काम करके उत्पादन करते हैं, तो आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर भी बनकर करके अपना परचम लहराने का काम करते हैं। बिहार और बिहारियों को कोई अगर नकारेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नेहा दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। नेहा, सवाल उठता है कि एक बार नहीं कई बार इस तरह से बयान सामने आते हैं, और बयान आते हैं उसके बाद देखिए राजनीति भी होती है, लेकिन क्या वाकई राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह से बयान आना कितना जायज है? क्या लगता है इस पर भी राजनीति होनी चाहिए? देखिए बिहार के मुद्दे को लेके तमाम, जो चाहे बीते दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री की भाषा देखें, जिस लहजे से उन्होंने बिहार के लोगों के बारे में बात की, अब तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जिस जबान में उन्होंने बात किया था, हालांकि ये तो बहुत बड़ा सच है कि बिहार से निकले हुए आईएएस और आईपीएस जो कैडर है वो तमाम राज्यों में नीति संभाल रहे, विधि व्यवस्था संभाल रहे राज्यों की। इससे अगर परेशान होकर कोई बिहार के लोगों पे किसी तरीके का अनुशासनहीनता का या फिर महिलाएं सुरक्षित नहीं इस तरीके का कोई सवाल उठाता है, अपने राज्य की
हालात को ना देखते हुए बिहार के बारे में बात करता तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अंजलि ये भी देखना होगा कि केसीआर को लेकर उन्होंने बयान दिया, बीते दिनों केसीआर एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे थे जिसमें उन्होंने प्रमुखता से नीतीश कुमार को आगे करने की बात की थी, कहीं ना कहीं इसको भी इस बयान से आप जोड़ सकते हैं। वहां के IAS IPS तो है ही, इसके साथ ही केसीआर जिस तरीके से जो चर्चा आ रही थी कि राष्ट्रपति के तौर पर नीतीश कुमार को देखा जा रहा है और इसकी पुरजोर तैयारी केसीआर कर रहे थे, चाहे वो शरद पवार के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने का प्रयास कर रहे थे जिसकी वजह से PK भी बीते दिनों नीतीश कुमार से मिले थे, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी इस बयान से जोड़ा जा सकता है। और तेलंगाना जैसे राज्य में बिहार के श्रम वर्ग के लोग बहुत है, बिहार के वैसे लोग बहुत है जो ऑफिस में काम करते हैं और IAS और IPS पूरी विधि व्यवस्था संभाल रहे हैं, तमाम जो सचिव पद पे काम कर रहे हैं इस वक्त IAS IPS है तेलंगाना में, वो बिहार के लोग हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को जो सलाहकार मुख्यमंत्री के जो सलाह देते हैं मशवरा देते हैं राज्य को चलाने के लिए वो बिहार के लोग हैं। इससे उन्होंने फ्रस्ट्रेशन कह ले सरकार में बोलने का एक मौका उनके पास कह ले कि मंच से वो बोलना चाह रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री का DNA जो है वो बिहार का। हालांकि आप देखिए बिहार सरकार के मंत्री ने इस बयान को भी सकारात्मक तौर पर लिया, उन्होंने कहा कि अगर बिहार के DNA के बारे में कोई बात कर रहा है तो ये अच्छी बात है, बिहार का DNA कहीं ना कहीं विकास के तौर पे जाना जा रहा है और पहले जो बिहार की छवि थी वो आज कहीं ना कहीं वैसी छवि नहीं है। अंजलि बिल्कुल नेहा, लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ तक कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस तरह से बयान देना, दूसरी बात कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। देखिए राजनीति होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इस तरह से दूसरे राज्य से बयान आना कहीं ना कहीं देखिए ये ओछी राजनीति है। ठीक है, एक दूसरे से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, अगर इस तरह से बयान आते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। नेहा, नेहा क्या आप हमें सुन पा रही हैं? तो देखिए नेहा से हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लेकर देखिए राजनीतिक गलियारों में भी लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह से बयान क्यों दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि पंजाब में भी इस तरह से जब बयान सामने आए थे उसके बाद से सियासत गर्मा गई थी, उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप होने लगे थे, यहां तक कि ये कह दिया गया कि देखिए बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसे लेकर भी सीधे तौर पर सवाल उठाया गया है। और आपको बता दें कि अब देखना होगा इसे लेकर और कितनी सियासत होगी, और आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का ये बयान आया है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनके DNA की बात की जाए तो वो भी बिहारी हो चुका है, और लगातार हम आपको रिएक्शन भी देख रहे हैं। वही नेहा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि ठीक है इस तरह से बयान दिया गया, लेकिन सवाल उठता है आप किसी राज्य को लेकर एक तरीके से आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि ठीक है वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सवाल उठता है देखिए ये लोकतंत्र है और यहाँ आज़ादी, आप किसी राज्य में जाइए और अपना काम बेहतर कीजिए, लेकिन इस तरह से बयान देना क्या आपको लगता है कि आम जनता को तो ठेस पहुँचाया ही जा रहा है, लेकिन ये ओछी राजनीति कह सकते हैं? बिल्कुल देखिए ये अंजलि ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति, अगर बिहार के लोगों के बारे में या बिहार के बारे में आप कहीं कुछ कह रहे हैं तो आपको बड़ी गंभीरता से कहनी चाहिए। आपके ही प्रदेश में तमाम विधि व्यवस्था हो या फिर मुख्यमंत्री के सलाहकार हो या जितने भी आपके रोडमैप तेलंगाना में तैयार हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं IAS IPS और प्रशासन का हाथ होता है, उस प्रशासन में अधिकांश बिहारी हैं जो प्रमुख पदों पर है, बिहार के लोग हैं जो प्रमुख पदों पर है, जो तेलंगाना राज्य के विकास में आज उनका कई बिल्कुल इसलिए उनका योगदान है, और ऐसे में इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं ये चीज जरूर साबित करता है कि आप बेवजह बिना मतलब के एक मुद्दा को खड़ा करना चाह रहे हैं, और बिहारी कहना या बिहार के छवि को इस तरीके से एक मंच के जरिए कुछ कहना कि बिहार के लोग असुरक्षित नहीं है, उसके पहले जरूरी होती है कि बिहार आके आप जरूर देखें कि बिहार के लोग कैसे हैं, अगर सुरक्षित नहीं होते या फिर प्रतिभावान नहीं होते तो आज तेलंगाना को संभालने में बिहार के IAS और IPS नहीं होते जिनके लिए उनके मन में फ्रस्ट्रेशन है, और उसके लिए इस तरीके का बयान है। अंजलि बिल्कुल नहीं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो सीधे तौर पर देखिए इसे लेकर सियासत हो रही है, और वाकई देखिए इस तरह से बयान देना आप राजनीति कीजिए, आप एक दूसरे पर आरोप